समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव दो दिन के दौरे पर भोपाल पहुंचे हैं। अखिलेश लखनऊ से प्राइवेट चार्टर्ड विमान से राजा भोज एयरपोर्ट पहुंचे, जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अखिलेश का जोरदार स्वागत किया। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी के संबंध दोस्ताना है और देश में गठबंधन की शुरुआत समाजवादी पार्टी ने की। अखिलेश ने राज्य सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सूबे की सरकार ने किसानों और युवाओं के लिए कुछ नहीं किया, नौकरी और रोजगार के मौके नहीं बनाए गए, डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी सूबे का विकास हो रहा है। अखिलेश यादव आज मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ से मुलाकात करेंगे, जिसमें सूबे के विधानसभा चुनाव में गठबंधन को लेकर कोई फैसला हो सकता है। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव में पार्टी की संभावना और रणनीति पर पार्टी पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे। अखिलेश कार्यकर्ताओं से भी मिलकर चुनावी तैयारियों का जायजा लेंगे। बाय इलेक्शन में कांग्रेस ने जब सहयोग मांगा, हमने कहा हम चुनाव में नहीं लड़ेंगे। कहीं ना कहीं समाजवादियों ने सहयोग किया और चुनाव नहीं लड़ी, लेकिन मुख्य चुनाव हम लड़ने जा रहे हैं। जहां हमारी पार्टी का संगठन है, जहां हमारे पास मजबूत लोग हैं, पार्टी वहां चुनाव लड़ेगी। और उस पर ज्यादा जानकारी के साथ स्वराज संवाददाता वंदना रावत हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़ गई हैं। वंदना जी, अखिलेश पहुंचे हैं राजधानी भोपाल, क्या कुछ आज रणनीति तैयार की जा सकती है? सलमान, मैं आपको बता दूं कि अखिलेश यादव जो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ गांधीमा होटल में हो रही है। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस चली रही है, हालांकि उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो यहाँ आने का उनका मेन मकसद ये बताया है कि वो समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी मजबूती से लेके आएंगे। किसानों और गरीब लोगों के तबके के लोगों के साथ वो कंधे से कंधा मिलाए खड़े हैं, उनके हर सुख दुख में उनका साथ देंगे। साथ ही मध्य प्रदेश में हो रहे महिला अत्याचारों और बाल अपराध जैसे नंबर वन है, क्योंकि मध्य प्रदेश इसको लेकर उन्होंने इसको लेकर भी बीजेपी सरकार से निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और बच्चों को लेकर सरकार बिल्कुल नाकाम रही है, इसको लेकर भी हमारा सपा समाजवादी पार्टी दिशा में बेहतर काम करेगी। हालांकि गठबंधन की जो अटकले आ रही है कि वंदना जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जिस तरह से पीसी की अगर बात की जाए तो बसपा को लेकर अभी तक उन्होंने कोई पत्ते नहीं खोले। सलमान, एक बार अपना सवाल फिर से दोहराइए। जी, सपा बसपा का जो गठबंधन की बात कही जा रही थी, लेकिन अभी उन्होंने खुलकर कोई बात नहीं कही इसको लेकर। जी सलमान, मैं आपको बता दूं कि हालांकि यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने जो अभी उत्तर प्रदेश में उप लोकसभा चुनाव हो रहे, चाहे गोरखपुर हो, चाहे कैराना हो, चाहे नूरपुर हो, वहाँ पे जो गठबंधन लेके निषाद पार्टी हो, पीस पार्टी हो, या कांग्रेस हो, या बीएसपी हो, सपा हो, सबने मिलकर जो चुनाव जीता उसका उन्होंने काफी बखान था। उन्होंने कहा कि इस बीजेपी को सही मामले में उसको करारा जवाब मिला है। कैराना हो, नूरपुर हो और गोरखपुर, जो कि दोनों सीएम है, डिप्टी सीएम का घर है और खुद मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का घर गोरखपुर है, वहाँ पे सपा की जीती है। तो आने वाले समय में ये गठबंधन जो है ये काफी कारगर साबित होगा। हो सकता है कि योगी और मोदी सरकार के लिए सुनामी के रूप में ही सामने है। और सलमान, मैं आपको ये बता दूं कि बसपा और सपा या कांग्रेस का गठबंधन लोकसभा के लिए होगा या नहीं होगा, इसके बारे में भी उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसका ऐलान अभी नहीं किया जाएगा, वक्त आने पर इसकी भी जानकारी दी जाएगी। जी सलमान, तो क्या माना जाए, केवल ये टोह लेने आए हैं अभी? देखो सलमान, अगर अंदर की बात की जाए तो कहीं ना कहीं आज कमलनाथ जी से जो प्रदेश अध्यक्ष है मध्य प्रदेश के, उनसे मुलाकात है, उनके घर डिनर पार्टी है। इसके अलावा अरुण यादव से भी उनकी मुलाकात है, उनसे भी काफी अन्य मुद्दों पर बातचीत होगी। लेकिन सपा की जो कंडीशन देखी जाए मध्य प्रदेश में बहुत जीत है। 2003 की अगर बात की जाए तो 2003 में सपा को 8 सीटें, उस समय उनकी सीटें, उनकी स्थिति जो थी वो बीजेपी से काफी मजबूत थी। लेकिन आज की कंडीशन अगर 2008 और 2000
13 की बात की जाए तो सपा की एक भी सीट नहीं है, जिसको लेकर कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन तो अभी कुछ सही समझ में नहीं आ रहा। शायद सपा बीएसपी और कांग्रेस का गठबंधन जो है बीएसपी का गठबंधन और कांग्रेस का ये कहीं ना कहीं चले है कि हाँ उनका गठबंधन हो सकता है, लेकिन सपा का गठबंधन उनके संग होगा, बातचीत बनेगी नहीं बनेगी ये अभी कहना नामुमकिन सा लग रहा है। जी लेकिन वंदना जी, जिस तरह से सड़कों की अगर बात की जाए तो रीवा सतना से होते हुए वो गुजरे हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने सरकार को भी आड़े हाथों लिया। उनका कहना है कि अमेरिका की सड़कों से तुलना की जाती है, और जिस तरह से मध्य प्रदेश की बात की जाए तो कई ऐसे इलाके हैं जहां पर सड़कें खस्ता हाल हैं। जी सलमान, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यही बोला कि शिवराज सिंह चौहान जैसे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के हैं, वो यहाँ की जो सड़कें हैं वो वंशी गठन के ना, वो अमेरिका की सड़कें भी यहाँ सेल है, इस तरह की बातें की। लेकिन मैं रोड से आया रीवा की, सतना हो या आपका मैहर रोड हो, उस तरह की जो सड़कें हैं, पन्ना हो गया, छतरपुर हो गया, ये सड़कें जो है पूरी गड्ढों से भरी हुई है, कोई काम नहीं हुआ है, केवल बीजेपी नारे लगाती है, दूसरे के काम को अपना बताती है। और ये बीजेपी का काम है, उन्होंने बीजेपी को काफी आड़े हाथ लेते हुए अपनी सपा सरकार की काफी तारीफ की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो वहाँ पे चाहे मेट्रो हो, चाहे एक्सप्रेस वे हो, चाहे ये भी विकास कार्य हो, महिला की समस्या हो, तमाम चीजें सपा सरकार ने दी है, लेकिन वो सभी कामों को बीजेपी अपना बताती है। जी आपसे ये भी जानना चाहूंगा, कमलनाथ से कब मुलाकात करने वाले हैं अभी? प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सलमान, कमलनाथ की हाँ इनकी मीटिंग है, इनका डिनर, इनका लंच इनके साथ में, लेकिन अभी उन्होंने जब इनसे पूछा गया कि क्या कमलनाथ से आपके गठबंधन को लेकर कोई बातचीत की गई, तो उन्होंने ये साफ कहा है कि मेरे कमलनाथ जी से काफी अच्छे संबंध है, मैं उनको बहुत पहले से जानता हूँ, मेरा उनसे घरेलू संबंध है, घराना जाना है, लेकिन किन मुद्दों पर लेकर बात होगी, उनके यहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे, क्या बातें होंगी, इन सब चीजों से उन्होंने साफ मना कर दिया। जी तो क्या माना जाए, जो संबंध है राजनीति में तब्दील हो सकते हैं? बिल्कुल तमाम, देखिए ये एक जाहिर सी बात है कि सपा की अगर स्थिति की बात की जाए, अगर हम पॉलिटिकल वे में जाए तो यूपी में सपा अकेले चुनाव लड़ने की कंडीशन में नहीं है, उसको बीएसपी, पीस पार्टी, निषाद पार्टी से गठबंधन करके, कांग्रेस से भी गठबंधन करके उस लोकसभा चुनाव लड़ेगी, ऐसी अक्सले लगाई जा रही है, अक्सले क्या ऐसा होगा भी। तो अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए, 2003 के बाद सपा की जो स्थिति है, एक विधायक एक एमएलए तक यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि सपा बीएसपी और कांग्रेस का गठबंधन अगर होता है तो अगर सपा का भी होगा तो कहीं ना कहीं समाजवादी को भी मध्य प्रदेश को फायदा मिलेगा। जी तो अब अगले जो दो दिन का जो कार्यक्रम है, क्या कुछ है अखिलेश का? देखो सलमान, अभी आज तो अखिलेश यादव जी की कमलनाथ जी से मुलाकात, ऐसा कहा जा रहा है कमलनाथ जी से मुलाकात है, अरुण यादव से मुलाकात है, इसके अलावा हो सकता है ज्योतिराज सिंधिया से भी मुलाकात है। मैं भी बता दूं ज्योतिराज सिंह से पूर्व राज्यपाल अजीत त्रिवेदी जी भी यहीं पर है, उनसे भी कैसी मुद्दे पर बातें होंगी, आज वो यहाँ पे है, कल भी वो कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी, कई इलाकों का वो दौरा करेंगे, इसके अलावा अपने कार्यकर्ताओं को जरूरी दिशा निर्देश जारी करेंगे। इसके अलावा मैं सलमानी बता दूँ की अखिलेश यादव ने अभी सीधी में अपनी जन्म रैली की थी, और 9 अगस्त को अखिलेश यादव जो है सपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी रैली होगी बालाघाट जिले में, उसकी भी तैयारी और उसकी भी उन चीजों को लेकर अहम मुद्दे पर चर्चा करेंगे। जी तो क्या माना जाए, वंदना जी अखिलेश पहुंचे हैं तो चुनावी जो शंखनाद है विधानसभा का, और जो कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की जो बात है वो अब शुरू हो चुकी है? बिल्कुल सलमान, पूरे जोश के साथ ही अखिलेश सीधे कह रहे हैं कि हम अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए आए हैं, पार्टी को नई दिशा देंगे, पार्टी को प्रदेश में हर स्तर पर मजबूत बनाएंगे, और मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर हम फुल एकदम जोश के साथ लड़ेंगे। और कहीं ना कहीं अखिलेश जी की नौजवानों की तहसील भी है, काफी कूल, जिसको कूल के नाम से जाने जाते हैं, और उत्तर प्रदेश में उनका अपना नाम भी है, काफी पहचान है, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अभी भी उनको लोग पसंद करते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनकी छवि की छाप प्रदेश में, मध्य प्रदेश यूपी के अलावा मध्य प्रदेश में भी देखने को। शुक्रिया वंदना जी, तमाम जानकारी भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब वक्त है यूपी टॉपिक।